ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आपकी भी नींद खुलती है 3 से 5 बजे के बीच? रोज ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद का खुलना होता है बेहद शुभ। जानिए किस वक्त नींद खुलने की क्या होते हैं मायने। कई बार रोजाना रात में एक ही समय पर हमारी नींद खुल जाती है। तमाम लोग इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। कई बार रात में सोते सोते अचानक आँख खुल जाती है, वैसे ये अत्यधिक तनाव या टेंशन की भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपकी नींद रोजाना एक ही समय पर खुलती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो नींद का रोज एक ही समय पर खुलना कोई दुर्लभ संकेत हो सकता है। सूर्यदेव से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे देवताओं का संकेत माना जाता है। हर रात अचानक 3 से 5 के बीच खुलती है नींद तो समझ जाइए कि भगवान दे रहे हैं संकेत, क्योंकि सुबह 3 बजे से 4 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। मानता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके इष्ट देव जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पूजते हैं वो चाहते हैं कि आप उठकर इस समय उनका ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रही होती हैं कि आप कब उठें, कब उनका ध्यान करें, जिससे हो सकती हैं आपके अंदर प्रवेश कर जाएं, जिससे आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सकें, जिससे आप धन धन धान से पूर्ण हो सकें, जिससे आपको भक्ति प्रदान हो सके। क्योंकि यदि आपकी नींद 3 से 6 बजे के बीच में खुलती है तो एक दुर्लभ समय होता है। यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपनी साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लें तो आपकी इच्छा बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। आप देखना एक ऐसा समय आएगा आपके जीवन में, आप देखना समय के साथ साथ आपके अपने जीवन में ऐसे कुछ चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे जिससे आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप इस समय स्नान आदि ना कर सकें तो अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए अपनी कोई भी इच्छा बोलकर देखना आपको खुद ऐसे ऐसे परिणाम चमत्कारी मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो फिर जिन जिन लोगों की 3 से 5 बजे के बीच सुबह के टाइम पर नींद खुलती है तो वो एक बार जरूर अपने बिस्तर पर बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करके, उनके मंत्रों का जाप करके, जैसे कि आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करके, या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः बोल करके अपनी इच्छा बोल कर देखना। आप खुद ही देखना कि आपने जो सोच रखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएं, आप जो चाहते होंगे वो सब आपको मिल जाएगा। तो आज से ये उपाय जरूर करना और आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना भी कि आपको क्या परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद ही क्यों खुलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।